हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज हम आए हैं अपने सिवन ढाबा पर, जो कि अपने जाने जाते हैं जी काफी सब्जियों के लिए, जैसे कि इनकी कड़ी बड़ी फेमस है कड़ी चावल, वो आज हम ट्राई करेंगे। बाकी हम भैया से बात करेंगे कि क्या क्या इसके अलावा वैरायटी बनाते हैं। इनकी दही बूंदी जो है बड़ी लगती है, गर्मियों में तो स्पेशल इनका हाथों हाथ बिक जाती है। तो लोकेशन भी भैया से पूछेंगे, सारा पूछेंगे भी कैसे इन्होंने काम अपनी जो जर्नी स्टार्ट की है। वो लोकेशन बड़ी सिंपल है जी, अपने शाटा चौक में आएंगे तो बल्ला कॉलोनी है, वहाँ पर इनकी शॉप है। तो 4 से 5 साल हो गए इनको काम करते हुए। तो चलिए दोस्तों करते हैं। शुभ नाम बताइए अपना। सर मेरा शुभ नाम है त्याग बहादुर। क्या बात है। तो सरदार जी बड़ी मेहनत की है अपने अपनी लाइफ में। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, मेहनत करके भाजी अगे जाया जाता। तो थोड़ा सा बता दीजिए ये काम के लिए कैसे जर्नी स्टार्ट की आपने। हाँ जी जर्नी तो बड़ी लंबी है, स्टार्ट जो की है शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ऐसा है कि जब लॉकडाउन होया, लॉकडाउन तो बाद है काम शुरू किया, पहला फुटवेयर का काम सी। अच्छा जी। वो थोड़ा लॉस हो गया तो फिर आ शुरू किया। ठीक है। अभी थोड़ा बड़ी मेहनत लगी नु स्टार्ट करने में, जान दे बिल्कुल भाजी 3 साल लगे, उस तो बाद जाके थोड़ा थोड़ा चलिया हूँ, कृपा बाबा दीप सिंह। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। और हमने बहुत आपकी तारीफ सुनी है, बड़ी दूर से आपको कवर करने आए। थैंक यू भाजी, थैंक यू। सर क्या क्या आज आप डेली मेन्यू में क्या क्या होता है। छोले होते हैं सोमवार से शुक्रवार। अच्छा जी। उस तो बाद काले छोले हैं मंगलवार और शनिवार। क्या बात है, आपने राजमा वीरवार और एतवार। अच्छा जी। बुधवार का जो दिन है वो थोड़ी हम अपनी भी मर्जी कर लेने, मतलब आप किसी को बोर नहीं होने देते सदन के माध्यम से, बोर नहीं आपने चेंज करके रखा होगा। हाँ जी हाँ जी, मेन्यू बिल्कुल चेंज होता डेली, सिर्फ एक दाल कड़ी और रायता और चावल और ये रोजी बनते। हाँ जी हाँ जी, रोज डेली। तो सर ये भी बता दीजिए किसी ने आना हो आसानी से कैसे आपके पास आ सकता है। छाड़े चौक चाहोगे सज्जे बने भला कलोनी, भला कलोनी के अंदर आगे जामन वाला चौक है सिमरन ढाबा, नहीं पता लगता भला कलोनी के अंदर आगे जिन्हू मर्जी पूछ लो सिमरन ढाबा, काफी फेमस तो नहीं है। हाँ जी, कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे बंद होता है। हाँ जी, 9:30 सवेरे शुरू होता है, पराठे होंगे सवेर के टाइम मॉर्निंग टाइम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आलू प्याज गोभी और पनीर वाला। ठीक है। जो आलू गोभी और प्याज का वो 15 रुपए का, जो पनीर वाला है 25 रुपए का। तो बाद 12 बजे तो लेके रात 9 बजे तक मेरा दाल आखिरी संडे को जो है लास्ट संडे को। हाँ जी हाँ जी, लास्ट संडे दुकान बात होती है। और सिंपल तवे वाले फुल्का चपाती यानी कि 4 रुपए में। मैं तो खावांगे चपाती है, मेरे को चपाती है। चपाती देखिए दोस्तों। हाँ जी हाँ जी, 4 रुपए की चपाती है। 4 रुपए की। हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल सॉफ्ट है, बढ़िया आटे की बनी होती है। बिल्कुल भाजी बिल्कुल, तुम सारा चेक करावांगे जिसे बंदा ही है हो या कोई गल नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखिए और आपको दिखाती है उन्होंने। सबसे पहले क्या दिखा रहे हो। सबसे पहले दिखावांगे दही पकौड़ियाँ। अच्छा, ये बूंदी रहता है ये दोस्तों इनका, कितना बढ़िया लग रहा है। तो थोड़ा बताइए इसमें क्या क्या डाला हुआ है। पहला तो जीरे का तड़का लगा के पाया। अच्छा जी, इसमें जीरे का तड़का लगाया हुआ आपने। बिल्कुल भाजी, उस तो बाद आ जो प्याज है हरी मिर्च है बड़ा कुछ है, थोड़ा सा इसको मिक्स कीजिए। देखिए कितना बढ़िया दही, गाढ़ा दही जो है यूज किया हुआ है इन्होंने, और दही भी बढ़िया होता है जी। जंग बहादुर जी सारा कुछ टेस्ट करा के भेजना। अच्छा जी, क्या बात है। ठीक है जी, और इसके बाद कौन सी है जी सब्जी। आलू न्यूट्री। अच्छा जी, सोयाबीन न्यूट्री जिसे बोलते हैं, ये तो सबकी फेवरेट होती है। और सबसे बड़ी बात है जो जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए तो ये वरदान है। मकरोनी पास्ता टमाटर प्याज। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, सब का तड़का। क्या बात है जी, क्या बात है। ये आ जाएगी, इतना तो हमने बड़े बड़े ढाबों में नहीं ऐसा कुछ देखा। ये चलो 12 भी देर है जी बाबा दीप सिंह। अच्छा ये क्या है, ये कड़ी होगी। पकौड़ा, कड़ी पकौड़ा, पकौड़े अभी डालोगे अभी। हाँ जी हाँ जी, पकौड़े बाद में खाने। अच्छा, बाद में जैसे पैकिंग हो या कोई खाना हो तो उसके। अच्छा डाल देते हो, ये देखिए पकौड़े भी। और सबसे बड़ी बात है ये होम मेड जैसा खाना मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, तुम पता नहीं लगेगा कि यहीं ढाबे तो लिया है। अच्छा, घर गेस्ट आते हैं उन्होंने हाँ, जैसे घर में प्यार की होती वैसे ही है। इसके बाद क्या, कौन सी सब्जी है जी। बाद आ जाएगी भाजी। अच्छा, ये देखिए जी इनके सफेद चने जो है, और आपने देखा ये कैसे इन्होंने मेन्यू तैयार किया है। चने का साइज मेरे $100 है। ठीक है, और वाकई में दोस्तों खुशबू बहुत बढ़िया आई है। मैं ये चाहना, मेरे मन की इच्छा होती है कि कोई 10 रुपए की चीज लेके गया ना, खुश होके खा ले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको अच्छा लगे खाने में। ये मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी आपने सोच रखी। जंग बहादुर जी, ये क्या है जी। ये वीर जी मावा की दाल है। अच्छा जी, मतलब उड़द की दाल है ये, माँ की दाल जिसे पंजाब में, मतलब पंजाबी जो बंदा है इससे बिना रह नहीं सकता। हाँ जी, ढाबा ही इस दाल तो बगैर ढाबा ही काम। मतलब जो ढाबा का काम करेगा ये दाल ना, तो अधूरा ढाबा उसका खोलना। ढाबा है ही नहीं, अधूरा तो अलग।
बता दीजिए कैसे तैयार करते हो, क्या क्या इसमें डाला होता है, बड़ी खुशबू आई है। ये नहीं बता सकते भाजी क्या क्या डाला है। अच्छा मतलब मसाले वगैरह कौन कौन से अपने होते हैं? बिल्कुल भाजी, मैं देख रहा हूँ इसमें प्याज वगैरह मतलब अच्छी तरह आपने तड़का वगैरह लगाया हुआ है। कहना भाजी एक होम मेड मसाले हैं, कोई बाजारी मसाले नहीं है। अच्छा जी, नहीं हफ्ते बाद अपने मसाले खुद पीसते हैं, जैसे लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सब डालते हैं उसमें। टमाटर का तड़का भी होता है इसको? बिल्कुल भाजी सब कुछ होता है, मतलब पूरा टैंगी फ्लेवर आएगा माँ की दाल में ना। बिल्कुल भाजी, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी, पैकिंग करवा लो चाहे यहाँ पर आकर जो है थाली वगैरह जो भी खाना है। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं तो बिल्कुल डेली आ रहे हैं। अच्छा, और काफी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कस्टमर आ रहा है, तो सर क्या इनका ज्यादा सब्जी कौन सी आपको टेस्टी लगती है? सब्जी सर सभी होममेड मिलती है, पहली बात तो घर जैसा स्वाद मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो ढाबे में मिलता है कोई ज्यादा मसाला वगैरह। हाँ हाँ, ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, डेली खा सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा। और जैसे इनकी जो कढ़ी है बड़ी फेमस है, आज हम उनका ही कवर करने आए हैं। तो कढ़ी चावल आप डेली करते हो? ढाई बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, रोज ही खाते हो ना? मतलब कुछ भी ले लो इनका, बहुत बढ़िया। शुभ नाम बताइए अपना। थैंक यू जी। आप बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ जैसे दूध जैसे सफेद है, बिल्कुल साफ सुथरे हैं ये, मतलब बासमती चावल होते हैं? चावल बढ़िया होते भाजी। अच्छा बढ़िया ही होते हैं ना चावल, ये देखिए जी 10 रुपए 10 रुपए की प्लेट खिलाने लगे आप। ठीक है जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी। और कड़ी इनकी जो फेमस है, वैसे आप कोई भी सब्जी डलवा सकते हैं ना भैया? बिल्कुल जो मर्जी डलवाओ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ये देखिए जी कड़ी, देखिए कड़ी का कलर देखिए कितना बढ़िया। अच्छा अलग से जो है जो पकौड़े डालकर फिर इसके ऊपर 10 रुपए तो भाजी एक आप बता रहे थे आप लंगर वगैरह के लिए भी अरेंजमेंट होता है आपका, थोड़ा बता दीजिए डिटेल में हमारे दोस्तों को। एक्चुअली ऐसा भाजी, कोई 150 फुल्का बनवाता है या दाल बनवाता है, वो हैगी है 1200 रुपए। अच्छा 150 चपाती हो गई, मावा दी दाल, माँ की दाल होगी साथ में। ठीक है जी, 1200 रुपया। ठीक है, 200 फुल्का लेना नाल दाल लेनी है, वो 1500। अच्छा जी, मतलब बढ़ जाता है थोड़ा सा रेट। बाकी गाहक की मर्जी है, मिक्स वेज बनवा ले, कड़ा बनवा ले, जिस तरह के घर कोई पाठ वगैरह है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जी, ये भी आपसे जो है फायदा मिल सकता है। तो ठीक है जी, अब करते हैं ट्राई और बताते हैं आपको। और सबसे बड़ी बात है जी, 10 रुपए का टूना तैयार कर दिया आपने। जी, ये 10 रुपए का टूना है जी। अच्छा जी, फिर मांगता है आके आपके पास। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आप कमाई नहीं कर रहे, आप सेवा कर रहे हैं ना जी? सेवा नहीं जी कर रहे, एक बाबा दीप सिंह जी वालों एक आप लोगों अच्छा खाना जो है प्रोवाइड कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं ट्राई, फिर बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये है जी सिमरन ढाबा के कड़ी चावल, और सबसे बड़ी बात है जी 10 रुपए का जो पाजी ने ढूंढा तैयार कर दिया है, तो आज की डेट में कहीं भी नहीं मिलता। तो देखिए, एक तो इन्होंने अपने जो बासमती चावल डाले हैं, और इसमें एक पकौड़े डाले हैं जो कि प्याज के बनाए होते हैं इन्होंने। चलिए ट्राई करते हैं कड़ी, बिल्कुल गाड़ी गाड़ी की कड़ी है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जो मिर्च मसाले हैं बिल्कुल बराबर है, कोई इसमें फीकापन नहीं है, और वाकई में घर जैसा स्वाद है। बहुत बढ़िया। तो कभी भी आप शाटा की तरफ आए तो बल्ला कॉलोनी में आकर सिमरन ढाबा बड़ा ही फेमस है, आए इनके पास, इनको सपोर्ट भी करें, और यहाँ पर आकर आप ट्राई भी कर सकते हो। पैकिंग वगैरह तो बहुत ज्यादा जाती है, कस्टमर आप देख ही रहे होंगे, पैकिंग वगैरह ज्यादा कस्टमर इनके पास है। तो जैसे इनके पास जो बूंदी रहता है वो बड़ा फेमस है वो काफी, और भैया जैसे बता रहे थे उसको स्पेशली हम जीरे का जो है तड़का लगाते हैं पहले, फिर उसमें सारा जो है मसाले वगैरह डालते हैं और बूंदी डालते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं। वो भी इनका हाथों हाथ बिक रहा है, 20 का 30 का 40 का लोग लेके जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बाकी मैं मुझे लग नहीं रहा मैं बाहर खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं घर में खाना खा रहा हूँ। अदरक का बड़ा अच्छा फ्लेवर आया है इसमें, और साबुत धनिया जो होता है वो डाला हुआ है, बिल्कुल घर में जैसे कड़ी को तड़का लगाते हैं वैसे ही इन्होंने तैयार की है। जो उड़द की दाल होती है माँ की दाल जो पंजाब में बहुत ज्यादा फेमस है, वो तो बहुत ही ज्यादा इनकी लगती है, आप यहाँ पर आकर वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे अपने छोटे भाई को अपना प्यार देते रहना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना।